ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी 16 फरवरी को जगदलपुर में धरना प्रदर्शन करेगी, वहीं 17 फरवरी को प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल सभी नगरीय निकायों के महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा और राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने प्रदेश स्तर पर आगामी 16 और 17 फरवरी को आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता 16 फरवरी को बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में रैली निकालकर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं 17 फरवरी को बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के सभी 78 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। इस दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश की 400 से अधिक सड़कों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच बस्तर संभाग के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को सुरक्षा मापदंड की जानकारी देने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक ली। बैठक में कहा गया कि जनप्रतिनिधि संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से पहले इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि उनकी सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जा सकें। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि सुरक्षा बलों की सक्रियता के कारण माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा है, जिसके कारण बौखलाहट में माओवादियों द्वारा निहत्थे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 15 फरवरी को सभी नगरीय निकायों के महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। रायपुर में आयोजित गौरव समागम अर्बन प्राइड अवार्ड्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों और पंचायतों को पुरस्कृत भी करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आगामी 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा। संभावित कार्यक्रम के अनुसार अधिवेशन में 25 फरवरी को विषय समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को रखा जाएगा। इसी दिन प्रतिनिधियों का सत्र शुरू होगा। कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के सभी पार्टी सदस्यों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा आज रायपुर पहुंची। उनके साथ सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी रायपुर पहुंचे। कुमारी सैलजा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में सम्मेलन को लेकर बनी विभिन्न समितियों के सदस्यों की एक बैठक ली। वे अधिवेशन स्थल का भी जायजा लेंगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नए नियम के तहत हज यात्रा की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति बिना किसी शुल्क के हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस नियम में महिलाओं को अकेले हज पर जाने के लिए भी आवेदन करने की छूट दी गई है। इस बदलाव से अब हज यात्रियों की करीब 50,000 रूपये की बचत होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुस्लिम समाज द्वारा प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा छत्तीसगढ़ में संतों की पदयात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत देशभर के संत छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से आगामी 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। पदयात्रा का समापन रायपुर में 19 मार्च को धर्मसभा के रूप में होगा। इस धर्मसभा को विभिन्न संत संबोधित करेंगे। धर्मसभा में धर्मांतरण, गौ तस्करी जैसे कई विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्र वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज के दिन प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा कि देश हमारे उन पराक्रमी नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन एक आत्मघाती विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।
प्रदेश का रायगढ़ जिला जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बन गया है। जिले में जन्म से ही मोतियाबिंद से पीड़ित 35 बच्चों की आंख का सफल ऑपरेशन किया गया है। इन बच्चों का ऑपरेशन रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के अलावा रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय और भुवनेश्वर के अस्पताल में किया गया। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि यदि किसी बच्चे में जन्म से मोतियाबिंद या फिर आंखों में सफेद झिल्ली नजर आए तो उसकी तत्काल जांच कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले के आलदंड में मुठभेड़ के बाद माओवादियों के कैंप से बरामद किए गए 3 नाबालिग बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल कल्याण समिति के परामर्श के आधार पर इन बच्चों की इच्छानुसार उनकी पढ़ाई लिखाई और अन्य सहायता जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि मुठभेड़ स्थल से 5 संदिग्ध व्यक्ति भी मिले थे, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि माओवादियों द्वारा उन्हें डरा धमकाकर संगठन में काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। कांकेर जिले में बीती 9 फरवरी को सड़क हादसे में घायल हुए एक स्कूली बच्चे की आज रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि कोरट थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य छात्र को इलाज के लिए रायपुर लाया गया था। मुंगेली जिला पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में बालिकाओं को गुड टच बैड टच संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित अभिव्यक्ति ऐप की भी जानकारी दी जा रही है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड में सिरहा और गुनियाओं को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए एक बैठक बुलाई गई। एसडीएम प्रदीप वैद्य की उपस्थिति में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों द्वारा सिरहा और गुनियाओं को विभिन्न रोगों के लक्षणों, संस्थागत प्रसव और बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रमुख बीमारियों के लक्षणों की पहचान कर मरीजों को अस्पताल रेफर करने की भी समझाइश दी गई। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत लोटा पहाड़ चक्रधरपुर सेक्शन के बीच आगामी 17 फरवरी को सुधार कार्य किया जाएगा। इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दिन टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस करीब 1.5 घंटे विलंब से रवाना होगी। वहीं 16 फरवरी को मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस और योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस को निर्धारित ठहराव से पहले ही रोक दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली राजहरा दुर्ग रेलमार्ग पर मरौदा स्टेशन में आगामी 16 से 21 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान किसी भी ट्रेन का परिचालन प्रभावित नहीं होगा। राजधानी रायपुर में इन दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस स्पर्धा का शुभारंभ कल पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने किया। इस प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तहत कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, रस्सा खींच और एथलेटिक्स के मुकाबले हो रहे हैं। राज्य में पहली बार जवानों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बस्तर में आगामी 17 से 20 फरवरी तक फैम ट्रिप का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम है देखो बस्तर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धर्मशील गणवीर ने बताया कि इस आयोजन से बस्तर में सामुदायिक पर्यटन और इको टूरिज्म का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों से ब्लॉगर, लेखक, यूट्यूबर और फोटोग्राफर को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य देश और विदेश में बस्तर की विशेष पहचान का प्रचार करना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेखनीय सेवाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 19 फरवरी को इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा जनवरी सत्र में ऑनलाइन नामांकन और पुनः पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की कल 15 फरवरी अंतिम तिथि है। चयन परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर में 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बीजापुर जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और संयोजिका सहित कुल 16 पदों पर अवैधानिक नियुक्ति के मामले में बीजापुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुनील भारती को निलंबित कर दिया गया है। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने एक आईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। सरगुजा जिले के मैनपाट में कल मंत्री शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत ने 3 दिवसीय कार्निवाल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 78 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इस संबंध में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय ने रायपुर प्रेस क्लब का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित नहीं करने का आदेश पारित किया है। 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में सड़क निर्माण, अवैध शराब बिक्री सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक इंदु बंजारे द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी 16 फरवरी को जगदलपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं 17 फरवरी को प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल सभी नगरीय निकायों के महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।